तो दोस्तों BLS इंटरनेशनल ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 50 पैसा प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 23 तारीख, जिसका रिकॉर्ड डेट है। तो याद रखिएगा 50 पैसा कंपनी की ओर से डिविडेंड की अनाउंसमेंट की भी की गई है इस क्वार्टर में। डाटा लाख में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 407 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 437 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो अभी भी कंपनी का रेवेन्यू 437 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे, ऑलमोस्ट फ्लैट है कंपनी का रेवेन्यू। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने मिला, अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने मिला है, लेकिन साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 329 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 375 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 356 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में कम किए गए हैं, क्योंकि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी के जो खर्चे हैं उसके अंदर एक हल्की सी कमी आपको देखने मिली, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल गया था वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में 82 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 45 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के 87 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने मिली, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं वहाँ पे 6 से 7% के आसपास का जंप वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूँ पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 25 करोड़ के आसपास का नुकसान भी हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है इतना बड़ा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि उसको हटाने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर में 87 करोड़ के आसपास, पिछले साल 69 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 90 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1.91 रुपये, पिछले साल 1.23 रुपये, अभी देखें तो 2.05 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज़ करूँ तो देखिए नंबर कुछ खास लग नहीं रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है कंपनी के एक्सपेंस को कम करने की वजह से। क्योंकि रेवेन्यू देखा जाए तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, जबकि शेयर प्राइस अगर देखा जाए तो साल दर साल में एक बड़ा रिटर्न आपको बना के दे चुका है, लेकिन अभी तक देखें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल कुछ बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिल रहा है, देखते हैं मार्केट कैसे हेड करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।